इलस्ट्रेशन वन में बोल रहा है, एक्स परचेजेज अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/11। हायर परचेज, पहली बात होता क्या है, हम लोग कोई भी चीज अगर इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो उसको हम लोग हायर परचेज कहते हैं। जैसे अभी आजकल हम लोग बहुत सारा सामान ईएमआई में खरीदते हैं, दैट इज हायर परचेज। बट डिफरेंट क्या है हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट परचेज में? अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का ईएमआई देना भूल जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग नहीं दे पाते हैं या भूल जाते हैं तो वो लोग हम लोग को कॉन्टेक्ट करता है, मेल भेजता है, लेटर भेजता है, पर मेरा सामान उठाकर लेकर नहीं जाता है। पर हायर परचेज में अगर हम लोग एक भी इंस्टॉलमेंट देना फेल्ड कर गए, मतलब नहीं दिए, तो सामने वाला मेरा सामान उठाकर लेकर चला जाएगा। मतलब इंस्टॉलमेंट परचेज में जिस दिन हम सामान अपने पास लेकर आते हैं उसी दिन ओनरशिप मेरा हो जाता है, पर हायर परचेज में जिस दिन हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस दिन ओनरशिप मेरा होता है। जब तक हम सारा इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे ओनरशिप मेरे ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है, वो मेरा सामान उठाकर लेकर जा सकता है। यही एक डिफरेंस है। इलस्ट्रेशन टू देखो, इलस्ट्रेशन टू का पहले केस लिख लो। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवेन बट कैश प्राइस इज नॉट गिवेन। इसका केस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है, पर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो इसमें लिख रहा है, हम लोग एक टीवी खरीदे हायर परचेज में, 3000 डाउन पेमेंट किए हैं, 4000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 3000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 5000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम लोग दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इसमें बोल रहा है कैश प्राइस टोटल कैलकुलेट करो और अलग अलग इंटरेस्ट बताओ। तो इसको अलग टाइप से करते हैं, जब कैश प्राइस गिवेन नहीं रहेगा और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है पर इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो सिंपली हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिख लेंगे इंटरेस्ट और यहां लिख लो कैश प्राइस। डी हाँ, तो इसमें हम लोगों को क्या बोला है, देखो हमेशा स्टार्ट करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट से, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट से। क्यों? पहला क्वेश्चन है क्यों हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट से क्यों शुरू करते हैं? देखो तुम लोग को एक चीज समझाते हैं। अगर सोचो कि हम बैंक से जाके लोन लेते हैं, ठीक है, और मेरे को वो चुकाना है, तो सोचो हम 30,000 का लोन लिए हैं सिंपल, और मेरे को उसको 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, तो हम पहले कितने पे इंटरेस्ट देंगे? पूरे 30,000 पे, क्योंकि मेरा लोन अमाउंट कितना है, 30,000। तो हम 30,000 पे इंटरेस्ट दिए, दूसरी बार हम इंटरेस्ट किस पे दिए, 20,000 पे, क्योंकि हम इंटरेस्ट, तो सोचो 3,000 रुपया इंटरेस्ट हुआ, पर उसके साथ हम प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाते हैं, मतलब 13,000 हम पे ऑफ करते हैं। तो 30,000 मेरा लोन था, हम 10 10 10 करके देने का सोचे थे। पहला साल मेरा इंटरेस्ट लगेगा पूरे होल अमाउंट पे, मतलब 30,000 पे मेरा 10% लगेगा 3,000। उसके साथ हम प्रिंसिपल अमाउंट भी देते जाएंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो मेरा कितना, 13,000 हम पे कर दिए। जब नेक्स्ट ईयर हुआ तो मेरा इंटरेस्ट कितना बचा, 20,000 पे 10% देंगे हम 2,000, और उसके साथ हम देंगे 10,000, तो हम देंगे 12,000। और लास्ट ईयर में हम 10,000 पे 10% देंगे 1,000, और उसके बाद प्लस 10,000, मतलब हम 11,000 पे करेंगे। तो ये जो हम दिए इस पे 3 बार पे किए, पहला इंस्टॉलमेंट हम पे कर दिए, ये जो दूसरा वाला है उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लग गया इन दोनों के ऊपर, और जो तीसरा वाला 10 है वो इसके ऊपर तीसरी बार इंटरेस्ट लग गया। तो जो पहले पे कर दिए उसके ऊपर एक ही बार इंटरेस्ट लगा, जो 2 साल में पे किए उस 10,000 के ऊपर 2 बार इंटरेस्ट लग गया,
मतलब यहाँ तो एक बार 10,000 के ऊपर लगा, वही 10,000 का इस पे लगा, वही 10,000 का इंटरेस्ट इस पे लगा, ये वाला। हाँ, तो सबसे पहले हमेशा लिखेंगे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरा है कितना? थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ अमाउंट का बना लो, थर्ड इंस्टॉलमेंट है मेरा 5,000 का। इसके ऊपर लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा कितना लगता है इसमें? 12%। तो ये 112 है, तो 12 कितना? 5,000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, तो 536। तो मेरा मेन अमाउंट कितना है? 4,464। ठीक है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ? 536। और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? 4,464। अलग कर दिया हम इसमें, मतलब ये जो 5,000 है इसमें 536 इंटरेस्ट था और 4,464 प्रिंसिपल अमाउंट था। उसके बाद फिर इसमें ऐड हो जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है मेरा 3,000। तो ये आया 8,464। इसके ऊपर लेस इंटरेस्ट, सॉरी सेवन सेवन हो, 7,464 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, तो आएगा 800। तो 666 4, तो इसमें इंटरेस्ट है 800 और ट्रिपल, और फिर देखो 666 4 पूरा बचा है जिसमें से बाकी, देखो ये वाला ही तो इसमें घुसा हुआ है ना, तो सिर्फ अलग से 3,000 जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उससे, सिर्फ 3,000 से इस इंटरेस्ट को माइनस करो, सिर्फ 3,000 से इस इंटरेस्ट को, तो कितना आएगा? या फिर तुम लोग ऐसे कर लो कि टोटल मेरा इतना बच रहा है, टोटल मेरा इतना बच रहा है, इसमें से इतना तो हम पहले लिख ही लिए हैं, तो बाकी और लिखेंगे, मतलब 666 4 माइनस 4,464, तो बाकी यहाँ पे 2,200 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट इंस्टॉल, ऐड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो है 4,000, तो 10,664 लेस इंटरेस्ट, 10,664 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, तो 1,143। अब आया 9,521, पर इसमें 6,640, मतलब ये दोनों ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 9,521 माइनस 4,464 माइनस 2,200, तो बचेगा 2,857। अब इन सबको अगर, और इन सबको ऐड करें ऐड डाउन पेमेंट, इलस्ट्रेशन 3 में मेरे को हेडिंग दे लो पहले, व्हेन ओनली इंस्टॉलमेंट्स आर गिवेन,
बट कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवेन। अगर ऐसा केस है तो इलस्ट्रेशन 3 देखो। एक्स एंड कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार ऑन अप्रैल 1, 2009 ऑन हायर परचेज पेइंग 60,000 कैश डाउन। डाउन पेमेंट किया है 60,000 एंड बैलेंसिंग 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 55,000, 50,000, 45,000, 40,000। इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस, पूरा कैश प्राइस भी बताना है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी बताना है। यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12 नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे टोटल हम हायर परचेज प्राइस आ कितना रहा है। तो हायर परचेज प्राइस क्या होता है, सारा इंस्टॉलमेंट प्लस कर दो और उसमें डाउन पेमेंट प्लस कर दो, हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एचपी प्राइस, कैश प्राइस होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, हायर परचेज प्राइस होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना दे रहे हैं, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, 55,000, 50,000, 45,000, 40,000। वन लैख 90,000 हम टोटल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसमें एड डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट है 60,000, मतलब 2,50,000 मेरा एचपी प्राइस है। ये मेरा पूरा इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट घुसा हुआ है। क्यों, ये सारे इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट घुसा हुआ है। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट घुसा हुआ है तो एचपी प्राइस में भी इंटरेस्ट घुसा हुआ है। बट अभी क्वेश्चन ये है कि हम इसको अलग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बार बार बोले सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द कैश प्राइस बी एक्स। कैश प्राइस हमेशा हम लोग एक्स ले लेंगे। द इंटरेस्ट बी आई, और इंटरेस्ट को हम लोग आई ले लेंगे। अब देखो सिंपल बात बताते हैं, सबसे पहला हम लोग करते क्या है, ये वाला जो है 55,000, इसमें कैश प्राइस है प्लस इंटरेस्ट है, इसमें भी कैश प्राइस है प्लस इंटरेस्ट है, मतलब सब में इंटरेस्ट घुसा हुआ है। पर जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू 40,000, एक्स प्लस टू इक्वल टू 45,000, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 50,000, एक्स प्लस फोर 55,000। तो ये चीज हम लोग कर दिए। इसके बाद इसमें बोल क्या रहा है, ये देखो हम समझा रहे हैं कैसे करना है। ये चीज अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, हम लोग को एक्चुअली सिर्फ ये दिखाना है, पर ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं। देखो जो इंस्टॉलमेंट हम लोग सबसे पहले दे रहे हैं, मतलब 55,000 जो है उसमें हम लोगों का 4 times इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब एक चीज इसमें क्लियरली बोल दिया है कि एट द बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ईच और फॉर 55,000 इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, ये सब इक्वल अमाउंट का ही कैश प्राइस है। मतलब ये अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज्यादा, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट घुसा हुआ है। ये सोचो रियल में होगा, जैसे
तुम लोग को अगर अपना एग्जाम्पल दिखाएं, तो ये हम लोग अलग अलग अमाउंट पे कर रहे हैं, 13,000, 12,000 और 11,000, पर हम लोग का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो इक्वल है। हर इंस्टॉलमेंट में 10,000, 10,000, 10,000 ही पे ऑफ करना है, पर ये अलग अलग दिख क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग पेमेंट अमाउंट दिख रहा है। तो अब हम लोग को अगर इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहेगा तो कैसे दिया हुआ रहेगा? ऐसे दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले ये वाला पे कर देते हैं, सबसे का ये। अब ये इसमें अगर इंग्लिश में ये बोले कि एवरी इंस्टॉलमेंट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, मतलब ये मेरा कैश प्राइस है, तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस है सारे इंस्टॉलमेंट में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाए हैं कि सभी में 5,000 का ही डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? जो सबसे बड़ा अमाउंट है, ठीक है, जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो सबसे पहली, मतलब यहाँ पे ही हम लोग देख सकते हैं, जो सबसे पहली बार दे रहे हैं वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद वाला छोटा होता है, जो लास्ट में पे करते हैं वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें भी क्लियर है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अमाउंट पहले पे कर रहे हैं पूरा, सोचो 30,000, तो इसमें भी हम लोग पूरा अमाउंट, इसलिए 5,000, इसमें 4 टाइम्स है, मतलब 20,000 इंटरेस्ट है पहले इंस्टॉलमेंट में। जो दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड इंटरेस्ट मेरा कितना है? सेकेंड इंटरेस्ट है मेरा 5,000 × 3, मतलब 15,000। थर्ड इंटरेस्ट मेरा कितना होगा? 5,000 × 2, मतलब 10,000। और मेरा फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंटरेस्ट मेरा कितना होगा? 5,000 × 1, मतलब 5,000। ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है, मतलब 20,000, 15,000, 5,000। अब बात आ गया कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस का। तो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर दिए, कैश प्राइस देखो, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो कितना था? 55,000, उससे 20,000 निकाल देंगे तो 35,000। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट चेक करो, है कितना? 50,000। 50,000 में सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था? 15,000, तो इसका भी है 35,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर देखे तो इसमें है 45,000 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 10,000, मतलब 35,000। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में है 40,000 माइनस 5,000, तो इसमें भी है 35,000। तो 1,40,000 है, इसमें भी ऐड कर देंगे हम लोग डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट तो 60,000 ही है, तो ये आ गया मेरा 2 लाख, 2 लाख ये मेरा कैश प्राइस। इसमें क्लियरली बोल रहा है व्हेन एन्युइटी टेबल आर फॉलोड, अगर ये लाइन नहीं लिखता तभी पुराना सम जैसा बन जाता कि कैश प्राइस, और कैश प्राइस भी गिवन नहीं है, पर इसमें इसमें इंस्टॉलमेंट गिवन है, कैश प्राइस गिवन नहीं है, ये प्रीवियस सम जैसा बन जाएगा। पर क्लियरली बोल रहा है एन्युइटी टेबल फॉलो करो। एन्युइटी टेबल फॉलो करना मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी तुम लोग पूछोगे क्या होता है, तो इसका आंसर ये है कि मनी का वैल्यू समय के साथ गिरता है। जैसे आज तुम लोग का जो 100 रुपए का वैल्यू है, पापा लोग के टाइम पे 100 रुपए का वैल्यू वो नहीं था, जैसे कि वो लोग के पास अगर 100 रुपया था तो उसमें बहुत कुछ आ जाता, पर हम लोग के पास 100 रुपया है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा कह सकते। और अगर कमिंग 10 साल या 5 साल ले लो, तो जो हम लोग खरीद रहे हैं वो भी शायद 100 रुपए में ना आए। तो इट सेज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेज दैट वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस बाई टाइम। तो 1 रुपया का वैल्यू सोचो अगर 10% से गिरता है तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 90 पैसे। मतलब अगर आज कोई सोचो, एक टॉफी है जो 1 रुपए में मिलता है,
नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपया 10 पैसा। तो अब हम लोग वो 1 रुपया लेकर जाएंगे तो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आ जाता है, इन्फ्लेशन आने की वजह से ही रुपए का वैल्यू गिरता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं, ऑन 1/1/2010 एक्स परचेज अ प्लांट फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम, द हायर परचेज रेट वॉज सेटल्ड एट 60,000। तो हम लोग को एचपी प्राइस सम में दे दिया है 60,000। उसके बाद पेबल एज टू 15,000 ऑन 2010, 15,000 एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव ईयर। पहला साल भी 15,000 दिए और उसका 3 साल तक भी 15,000 करके ही दिए। इंटरेस्ट रेट है मेरा 5%, असे डेप्रिशिएट होता जाएगा 10% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। गिवेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी इज 1 रुपी एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 1 रुपए का वैल्यू 5% से हर साल गिर जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें कैश प्राइस निकालो। तो इसमें सिंपल है कैश प्राइस निकालना। ये जो तुम लोग बोलोगे मैम 2 रुपीज 7232 क्या है, ये है 1 रुपया का 4 साल में क्या वैल्यू हो जाएगा। मतलब तुम लोग को तो पूरा प्रॉपर हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं समझा सकते, ये सेमेस्टर 6 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में है। बट हम ओवरऑल तुम लोगों को रफली, बट गलत है ये, बट हम तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिर्फ दे रहे हैं। ये 4 साल का सम है, पहला साल तो है +3 है, मतलब 4 साल तक हम लोग इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। तो 4 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपए के हिसाब से सोचो तो हम लोग 4 रुपया दे रहे हैं। 4 रुपए का वैल्यू 4 साल के बाद क्या है, 2.7232। ये मतलब है इस लैंग्वेज का, कि हम लोग 4 साल तक इस सम में हम लोग रुपया दे रहे हैं। मतलब 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 4 साल दे रहे हैं, तो 4 रुपए का वैल्यू 4 साल के बाद कितना है, 2 रुपया 72 पैसा। तो इस हिसाब से आज अगर हम लोग सोचो, आज हम तुमको रुपया दे रहे हैं, सोचो तुमसे 10 रुपया ही लें और 1 साल के बाद तुमको 10 रुपया ही चुकाएं, तो तुमको नुकसान हो जाएगा। ये लगता है कि 10 रुपया ली और 10 ही रुपया तो चुका दी। ये इसलिए होता है कि हम तुमसे 10 रुपया लिए और तुमको अगर 10 रुपया ही चुका देंगे, पर 1 साल के बाद तो 10 रुपया का वैल्यू 9 रुपया हो गया है। तो तुमको तो हम हिसाब से 10 रुपया दिए, पर मार्केट रुपए का वैल्यू गिरना मीन्स इन्फ्लेशन आना। जब हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो सोचो, तुम लोग के पास, तुम लोग को 100 रुपीज तुम लोग सबको मिला, कि तुम लोग सोचे कि इसको अभी खर्च नहीं करेंगे। हम तुम लोग को सोचो बर्गर खाने का मन है 100 रुपीज का, पर तुम लोग सोचे कि नहीं, हम इससे नेक्स्ट ईयर जब मेरा बर्थडे आएगा हम उस दिन बर्गर खाएंगे। तो तुम लोगों ने क्या किया, उस रुपए को अपने अलमारी में रख दिया। अब 1 साल के बाद जब तुम लोग उस रुपए को निकाले, 100 रुपए को, और बर्गर शॉप में गए, तो बर्गर वाला बोला अब बर्गर 110 का मिलता है। तो तुम लोग का तो 100 रुपया में नहीं आया, तुम लोग का परचेजिंग पावर गिर गया। पर अगर तुम उसको घर पे नहीं रख के बैंक में रख देते, तो बैंक तुमको 10 रुपया इंटरेस्ट देता। 1 साल के बाद तुम वही बर्गर खरीद पाते 110 में। तो बैंक में पैसा रखने से बढ़ता नहीं है, बैंक में पैसा रखने से वो तुम्हारा परचेजिंग पावर को गिरने नहीं देता है। तो अगर अलमारी में रखे थे तो बर्गर नहीं खा पाए, पर अगर बैंक में रखे तो बैंक भी तुम्हारे रुपए को 110 कर दिया, मार्केट में इन्फ्लेशन भी 110 का हो गया, तुम नॉर्मली बैंक से पैसा निकाले 110 और जाके वो बर्गर खा लिए। तो ऐसा नहीं है बैंक में पैसा रखने से अब तुम ज्यादा बर्गर खा पा रहे हो, बैंक में पैसा रखने से तुम वही बर्गर खा रहे हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली बोले तो 1 रुपए का वैल्यू 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2.72, मतलब 4 रुपए का वैल्यू। तो पहले हम लोगों को निकालना है ये जो 15,000 वो पहला साल दिया, उसका वैल्यू कितना होगा 4 साल में। 4 साल से उसको इंटू कर, नॉर्मली अभी क्या कर रहे थे हम, 4 साल से इंटू कर दे रहे थे। यहाँ 4 से इंटू नहीं करना है, उसको 4 साल के रुपए के वैल्यू से इंटू करना है। मतलब मेरा 15,000 × 2.7232 कितना आएगा,
4,0848 रुपीज। तो अगर आज हम 15,000 दे रहे हैं, एवरी ईयर हम 15 साल 15,000 ही तो दे रहे हैं, पहला साल भी 15,000 और लास्ट तीन नेक्स्ट 3 साल भी 15,000, तो 15,000 15,000 हम हर साल दे रहे हैं, पर रियल में 15,000 × 4 नहीं दे रहे हैं, 60,000 वो रियल में इतना हो जा रहा है। तो यहाँ होता है एन्युटी वैल्यू। तो कैश प्राइस क्या होता है? इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट वो कितना किया था? 60,000। नहीं, डाउन पेमेंट कितना था? 15,000। अच्छा, हायर परचेज था 60,000, पेबल एज 15। अच्छा, ये 3 रुपया ही दिया है, ये 3 रुपये। पहला 15,000 डाउन पेमेंट है और बाद का 3 रुपया, तो 3 साल तक वो 3 रुपया दिया। 3 रुपया का वैल्यू 2.72 है, तो ये 3 साल का 45,000 का वैल्यू इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? इलस्ट्रेशन 5 देखो। ऑन 1109 मिस्टर एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ 5 मशीन्स ऑन अ हायर परचेज सिस्टम। 4,000 बीइंग पेड ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6,000 करके एक एक इंस्टॉलमेंट है, और डाउन पेमेंट था 4,000, पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। द वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी मतलब सेलर, चार्जेस 5% इंटरेस्ट पर एनम। द कैश प्राइस ऑफ 5 मशीन इज 30,000। शो द एंट्रीज विदाउट नरेशन। एसेट अकाउंट बनाने बोल रहा है मिस्टर वाई फॉर 5 ईयर्स, अज्यूमिंग दैट परचेजर चार्जेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसमें हम लोग को बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करने के लिए, पर बिना नरेशन के। शो द एंट्रीज मतलब बिना नरेशन के, बट डायरेक्टली हम लोग नरेशन बना, मतलब जर्नल एंट्री वाला सम नहीं करेंगे। तो इसके पहले हम तुम लोग को सम सिखाते हैं अकाउंट वाला, तो ये सम को यहाँ छोड़ दो, जब चैप्टर सीख जाओगे तब जर्नल पास करना। हाँ, इलस्ट्रेशन 6 में बोल रहा है ऑन 1111 ए परचेस्ड 5 मशीन ईच कॉस्टिंग 158,500 ईच फ्रॉम बी। ए परचेस किया है 5 मशीन बी से, एक एक का प्राइस है 158,500। पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन एंड द रिमाइंडर इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2011, मतलब एक साल बाद से शुरू हो गया, विथ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। इसमें जर्नल एंट्री बोला है वो हम छोड़ रहे हैं, पर बोल रहा है लेजर अकाउंट भी बनाओ इन द बुक्स ऑफ ए। तो हम लेजर अकाउंट बनाने के लिए कर रहे, एग्जाम में 90% टाइम लेजर अकाउंट बनाने ही आएगा, जर्नल एंट्री पास करने 10% केसेस में आता है, इसलिए सीख के तो जाएंगे पर मेन फोकस करेंगे लेजर बनाने में। तो इन द बुक्स ऑफ ए, ए कौन है? हायर परचेजर, याद रहे ए है हायर परचेजर। हायर परचेजर अकाउंट कौन बनाएगा? सॉरी, इन द बुक्स ऑफ ए मतलब ये सारा अकाउंटिंग कौन कर रहा है? ए कर रहा है, मतलब परचेजर कर रहा है। तो परचेजर के पास क्या आया? मशीन आया, तो वो मशीन का अकाउंट बना लेगा। तो फॉर्मेट तो वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। इसमें असेट में, असेट अकाउंट जो हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में बनाते थे बिल्कुल वैसे ही। कब मशीन खरीदे? 1111 में। किससे खरीदे? बी से खरीदे। ये परचेज का एंट्री है, कितने में खरीदे? 158,500 × 5, क्योंकि एक मशीन था 158,500 का, वैसा 5 खरीदे, तो 7,925,000।
उसके बाद एसेट अकाउंट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो 31/12/11 बाई डेप, डेप्रिसिएशन कितना बोला है हम लोग को, ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन डिमिनिशिंग। तो 7,925,000 इंटू 20%, मतलब 158,500। अब एक सब में क्लियर बात बोल रहा है, हम लोग इंस्टॉलमेंट 3 साल तक देंगे, तो अगर 3 साल तक देंगे तो अकाउंटिंग भी 3 साल का करेंगे। तो 31/12/11 बाई बैलेंस सीडी, ये अकाउंट हम लोग बहुत बार सीखे हैं, क्लास 11 में सीखे हैं, सेमेस्टर 1 में सीखे हैं। 6,34,000। बना लो खुद। इस तरह हम लोग का पूरा अकाउंट प्रिपेयर हो गया। और ए बनाता है, ये ए है, ये परचेजर है, ये किसका, दो जन का बुक बनाएगा, एक तो मशीन अकाउंट बनाएगा और एक बी का अकाउंट बनाएगा, मतलब सेलर को ये कितना देना बाकी है ये सब का हिसाब भी यही रखेगा। तो ये एक बनाता है बी अकाउंट, तो इसमें भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट और इधर डेबिट। इसमें ये क्या करेगा, ये जो 2B लिखा हुआ है इसका क्रॉस पोस्टिंग करेगा उधर बाई मशीन लिख के, तो इसके बाद इसको क्या करना है, इसको लिखना है इसकी, मतलब हम लोग परचेजर है तो हम लोग के पास से डाउन पेमेंट का पैसा गया, डाउन पेमेंट का पैसा गया तो क्या लिखेंगे, पैसा जाता है तो 2 बैंक, तो 1/1/11 को ही हम लोग का पैसा चला गया, 2 बैंक मतलब डाउन पेमेंट। कितना डाउन पेमेंट किए थे हम लोग, ट्वेंटी परसेंट वॉज टू बी मेट डाउन, तो हम लोग का अमाउंट था इतना, तो 7,925,000 का 20% हम लोग डाउन पेमेंट किए, मतलब 158,500 हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए। उसके बाद इंटरेस्ट लग जाता है हम लोग का, जो अमाउंट बचा हुआ है उसके ऊपर, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ये जो अमाउंट बच जाएगा। और इंटरेस्ट अब कब लगता है, साल के एंड में, मतलब बाई इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इतना का हम लोग सामान लिए, इतना तो पहला दिन ही पे ऑफ कर दिए, तो और इंटरेस्ट किस पे लगेगा? दिस माइनस दिस, मतलब 6,34,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट रेट है? 10%। तो हम लोग को और कितना देना बाकी है? थर्टी 1, 12, 11, टू बैलेंस सीडी, इन दोनों को प्लस करो। सिक्स नाइन, अच्छा नहीं, हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी तो पे किए हैं। 31, 12, 11 में टू बैन ब्रैकेट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किए हैं? अच्छा, इक्वल अमाउंट का हम लोग इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, तो नीचे वर्किंग्स में हम लोग को निकालना होगा। वर्किंग्स कैसे निकलेगा? इसमें बोल रहा है मशीन हम लोग खरीदे थे 7,925, तो कॉस्ट प्राइस कितना था मशीन का? सेवन नाइन टू फाइव डबल जीरो, इतना इसमें लेस डाउन पेमेंट हम लोग कितना कर दिए? 1,585,000। तो और कितना देना बाकी है? सिक्स लाख 34,000, इतना हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे। इंस्टॉलमेंट बोल रहा है कि हम लोग 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे। अच्छा, तो इसमें डेप्रिसिएशन भी 4 साल तक होगा, जितना साल का इंस्टॉलमेंट होता है उतना साल का डेप्रिसिएशन होता है, तो ईच इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया? वन फाइव एट फाइव हंड्रेड, एक एक इंस्टॉलमेंट हम लोग का इतना का है, तो 1,585,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ पे ऑफ करेंगे। मतलब 2,219,000। फिर 31, 12, 11 में टू बैलेंस सीडी, अब बैलेंस कर लो। अच्छा, ऐसा 4 साल करना है, तो हम बाकी नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। तो दूसरा साल फिर होगा, यहाँ पे बैलेंस लिखे, अब इंटरेस्ट इसी के ऊपर बैठेगा क्योंकि जितना देना बाकी है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। मतलब 4,755,000 के ऊपर 10%, मतलब 4,750,000। अब यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो दिए होंगे, तो टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट देना है, कितना होगा? एक इंस्टॉलमेंट था 1,585,000 प्लस ये इंटरेस्ट अमाउंट है 4,755,000,
2060 50 ये मेरा अमाउंट हुआ, तो टू बैलेंस सीडी क्या बचेगा? ₹3,17,000। ठीक है, तो ये 2 साल का हुआ है, हम बाकी 2 साल का यहां बनाओ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1113 बाई बैलेंस बीडी 3,17,000। इतना आया, हाँ यही तक करेंगे ना। हाँ नहीं 4 साल ना, बोले ना जितना इंस्टॉलमेंट उतना साल का सम। ये तो हुआ ही 4 साल का, डेप्रिसिएशन भी दे दो 4 साल का, जितना साल का सम होगा उतने ही साल का सब कुछ होगा। तो अब इसमें हम लोग बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ बी, क्योंकि बोला था इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, तो अभी बनाएंगे इन द
बुक्स ऑफ बी, बी मतलब अब हम लोग सेलर की तरफ से सम करेंगे, सेलर बन के, सेलर किस चीज का हम बनाएगा, सेलर बनाता है सिर्फ एक ही अकाउंट, एक अकाउंट, ठीक है, तो ये बनाता है एक अकाउंट। अब इसका भी फॉर्मेटिंग सेम ही होगा, अब इसका सबसे पहला काम क्या होगा, ये लिखता है, देखो हम लोग के लिए मशीन खरीदना एक एसेट है, पर जो मशीन बेचता है, जिसका काम ही है मशीन को खरीद बेच करना, उसके लिए मशीन एक गुड्स है। जैसे कि हम लोग कार खरीदते हैं तो हम लोग के लिए कार एसेट है, पर कार की शोरूम वाले के लिए वो एसेट नहीं है, उसके लिए वो गुड्स है, वो हर दिन खरीद बेच करता रहता है। तो हम लोग जब मशीन खरीद के लाए तो पूरा मशीन अकाउंट बना लिए, पर ये लोग जब बेचता है, बी जब बेचेगा तो वो मानेगा गुड्स बेचा है, तो उसको वो लिखेगा टू सेल्स। कितने का सेल किया, 7925। ये इतने का सामान सेल किया, इसको, इसके पास क्या आया, पैसा आया 1111 में ही, इसके पास पैसा आ गया 1111 में, इसके पास पैसा आ गया बाई बैंक। किस चीज का पैसा आया, डाउन पेमेंट का। ये डाउन पेमेंट कितना किया, यहाँ पे क्लियरली है 1515, इसके पास से पैसा गया टू बैंक, तो सेलर के पास आया, इसलिए वो लिखा है बाई बैंक 1585। अब पहला साल ये, दूसरा साल का क्या था, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे किया, तो टू बैंक इसका, तो उसके पास बाई बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और इसका इंस्टॉलमेंट खर्चा था, इसलिए बाई इंटरेस्ट बोलता है, इसका इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए टू इंटरेस्ट बोलेगा। पहला साल का इंटरेस्ट क्या है, 63400, 31/12/11 का बाई बैलेंस सीडी, तो पीछे सीडी क्या था, 4755500, वही यहाँ होगा 4755500। इस तरह एक साल का अकाउंट हो गया।
इलस्ट्रेशन 7 देखो, इसमें भी लास्ट में बोल रहे प्रिपेयर द रेलिवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, तो वही ए के बुक्स में हम लोग ए परचेजर है, तो पढ़ लेते एक बार सबको। 1111 में ए परचेज 5 मशीन फ्रॉम बी, पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन एंड द बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000, 2,20,000। देना स्टार्ट हुआ है 31/12/11 से। वेंडर चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। ए राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे देंगे। ऑन एज फेलियर टू पे इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/12/12, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट तो दिया 31/12/11 में, दूसरा इंस्टॉलमेंट ही फेल्ड हो गया 31/12/12 में। बी रिपोजेस्ड ऑल द मशीन्स, बी उसका रिपोजेस मतलब उठाकर लेकर चला गया, तो बी उसका सारा मशीन रिपोजेस कर लिया। एंड द वैल्यूड देम ऑन द बेसिस ऑफ 40% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस, मतलब ए को लगता है कि मशीन डेप्रिशिएट होता है 20% स्ट्रेट लाइन, और बी को लगता है कि मशीन को डेप्रिशिएट करना चाहिए 40% WDV में। जो सेलर है वो जानबूझ के हमेशा अपना ज्यादा डेप्रिसिएशन रखता है, क्यों? कि मशीन का वैल्यू वो दिखा सके कि कम हो गया है। बी आफ्टर इनकरिंग 6,000, अच्छा ये छोड़ो, मेन क्या है हम लोग को पहले इन द बुक्स ऑफ ए बनाना, तो स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन 7 सबसे पहले बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए। ए क्या बनाता है? मशीन अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले ए क्या किया? बी से मशीन खरीदा, तो इधर आएगा 1111 में 2B, ब्रैकेट में परचेज लिख लेंगे कि याद रहे हम लोगों ने खरीदा है कितने का, 5 मशीन्स फ्रॉम बी। तो अभी हम लोग को कैश प्राइस ही नहीं पता है तो डेप्रिसिएशन कैसे देंगे, तो कैश प्राइस निकालना हम सिखा दिए हैं, तो पहले जाकर कैश प्राइस निकालो। कैश प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे वर्किंग्स में? कैश प्राइस हम लोग को निकालना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, हमेशा इसमें इंस्टॉलमेंट कितना है? 4। हमेशा इंस्टॉलमेंट पहले बढ़ सबसे लास्ट वाला लेते हैं, इंस्टॉलमेंट हमेशा उल्टा से लेते हैं, ठीक है? अब इंस्टॉलमेंट का हम लोग का अमाउंट कितना है? अमाउंट क्या है? पहले वाले का है 2,80,000, उसमें इंटरेस्ट कितना है? 2,80,000 में हम लोग का इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट रेट दिया है 10%, ओ सबसे लास्ट वाला पहले लेते हैं ना, 2,20,000 पहले लेना है। ये 2,20,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, ये करके आया, तो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितना है? दिस माइनस दिस मतलब 2 लाख है, ठीक है? इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है? तो ये 2 लाख तो इसमें है ही, प्लस 2,40,000, तो इंटरेस्ट कितना पे आएगा? 2 लाख प्लस 2,40,000
डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 मतलब 40,000, तो 2,40,000, 4,40,000 से 40 गया तो 4 लाख, उसके बाद 4 लाख प्लस थर्ड इंस्टॉल मतलब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 2,60,000, तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 मतलब 60,000, तो आएगा 6 लाख। उसके बाद 6 लाख प्लस 2,80,000, तो 8,80,000, तो आएगा 80,000 मतलब 8 लाख। 20 लाख एड डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट इसमें बोला है 20% डाउन है, तो 20 तो ये 80% है, तो 20 लाख अगर मेरा 20 है सॉरी 80 है, तो मेरा 20 कितना होगा? 5 लाख, तो ये आया 25 लाख, और 20 लाख 5 लाख मेरा कैश प्राइस है। एट लाख मेरा, हाँ, उसके बाद मेरे पास कैश प्राइस आ गया 10 लाख का। अब आराम से हम लोग सम बना सकते हैं 10 लाख पे। अब इस पे डेप्रिसिएशन दो 31, 12, 11 बाई डेप, ये परचेजर का बुक्स बना रहे हैं तो परचेजर वाला डेप्रिसिएशन लेंगे, परचेजर का डेप्रिसिएशन था 20%। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन होगा, पर इस बार मेरे पास बैलेंस नहीं बचेगा। क्यों? 31, 12, 12 में वो हम मशीन तो पूरा यूज कर लिए पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए थे, इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए थे इसलिए वो मेरा मशीन उठाकर लेकर चला जाएगा, तो मेरे पास बाई बाई मेरे पास बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बार बाई बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, हम लोग बनाने चले जाएंगे बी का अकाउंट। तो इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर, इसमें हम लोग सबसे पहले बी को डाउन पेमेंट कर दिए थे 1, 1, 11 में ही, टू बैंक ब्रैकेट में डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना किए थे 2 लाख। अब इंटरेस्ट लगेगा, तीन लाख का 2 लाख चला गया तो 8 लाख के ऊपर 10% लगेगा मतलब 80,000, और ये हम लोग यहाँ पे निकाले हुए भी हैं 80,000, पहला इंटरेस्ट 80,000 ही है तो वो यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग 31, 12, 11 को पहला इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिए थे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करना था 2,80,000, पहला इंस्टॉलमेंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। फिर 31, 12, 11 को टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा, सिक्स लाख।
उसके बाद इधर उतारेंगे 1/112 बाई बैलेंस बीडी 6 लाख, इंटरेस्ट भी लग गया 31/12 बाई इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट कितना था 60,000, पर इस बार वो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग को पे नहीं किया। 31/12/12 में टू बैंक नहीं होगा, हम लोग के पास से पैसा नहीं गया, हम लोग के पास से मशीन चला गया, तो टू मशीन लिख देंगे। कितने का मशीन चला गया अभी उसका हम लोग को हिसाब करना है। तो मशीन बेसिकली कितने का गया, 6,60,000 का, क्योंकि इसको बैलेंस करके इतना ही आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे अभी और क्या करना है, यहाँ पे हमेशा ये अकाउंट तो हम लोग का खत्म हो गया, पर अभी यहाँ क्या, यहाँ हमेशा हम लोग लिखेंगे इसका क्रॉस पोस्टिंग, ये मशीन है तो ये मशीन अकाउंट है, तो लेजर पोस्टिंग के हिसाब से यहाँ जाएगा बी के नाम से, तो 31/12/12 में बाई बी 6,60,000। पर यहाँ पे हम लोग बैलेंस करके, यहाँ बैलेंस बचेगा तो हम लोग लिख देंगे 31/12/12 टू पी एल ब्रैकेट में प्रॉफिट, हम लोग को प्रॉफिट ही हुआ कितने का 60,000 का।